रेडमी नोट 5 प्रो के लिए अरिजीत साह की तरफ से पिक्सल एक्सपीरियंस का जैसा कि पोर्ट रोम आया हुआ है जो कि ऑफिशियल से पोर्ट किया गया है। ऑफिशियल वाला तो साकिल मोंडल भाई की तरफ से जो है आता था, लेकिन यहाँ पे जो है अरिजीत साह पोर्ट किए हैं। और ये एंड्रॉयड 10 है जो कि थोड़ा ओल्ड बिल्ड भी है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में आपको काफ़ी तगड़ा यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कर्नल चेंज है। बाकी आपको यहाँ पे बग कौन से मिलते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप वॉच करें ताकि आपको पता चल सके कि क्या कुछ जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है और परफॉर्मेंस कितनी और कैसी जो है बेटर यहाँ पे मिलती है। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। अबाउट फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड वर्जन 10 है। सिक्योरिटी पैच 5 मई 2020 की मिलती है और यहाँ पे गूगल प्ले सिस्टम अपडेट 1 मई 2021 का है। और कर्नल आप देखोगे तो कर्नल डीगल का वर्जन 13 यहाँ पे देखने को हमें मिल जाता है। बिल्ड नंबर देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी ओल्ड आपको मिल जाता है जो कि 16 मई 2020 का है। तो 2020 का है, सेम मंथ है। और अगर हम यहाँ पे स्टेटस बार की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपका स्टेटस बार पे टॉगल्स फ़िलहाल आपको यहाँ पे ये कुछ टॉगल्स देखने को मिल जाते हैं। इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है फिलहाल आपको स्मूथ ही मिलती है, तो इतने टॉगल हमें देखने को मिलते हैं इसके अंदर। वॉल्यूम पैनल आपका कुछ इस तरीके से देखने को यहाँ पे वॉल्यूम पैनल मिल जाता है। और यहाँ पे पावर मेन्यू जो है, पावर मेन्यू नॉर्मल है, एडवांस आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, कुछ इस तरीके से मिलेगा। इसी के अंदर स्क्रीनशॉट भी दिया गया है। हालांकि ऐप ओपनिंग आपके यहाँ पे फास्ट है और काफ़ी स्मूथ मिलेगी, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं है, ये जो है काफ़ी आपको स्मूथ मिलेगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आपको फिलहाल नहीं देखने को मिलेगा। और अगर हम कैमरे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर मैं आपको कैमरा भी दिखा देता हूँ। तो कैमरे में जो है कुछ इस तरीके से MIUI का कैमरा मिलता है जिसका वीडियो क्वालिटी है 4K 30fps तक का, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी देखने को मिली है। शायद तक वो प्रॉब्लम सबको ना आए जो ग्रीन वाला इशू पोर्ट्रेट मोड में देखने को मिल रहा है, ये जो है शायद तक सबको ना आए और आ भी सकता है। फ्रंट में हालांकि फ्रंट में बिल्कुल सही रहता है, काम भी करता है, बस बैक में है दिक्कत। GCam आप यूज़ करना, अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पे स्लो मोशन भी आपका वर्किंग है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप कर पाओगे, पोर्ट्रेट मोड भी आराम से क्लिक कर पाओगे इसके अंदर। वहीं आपको यहाँ पे जो है ये सभी एप्लीकेशन मिल जाते हैं। यहाँ पे पिक्सल टिप्स का भी एक ऐप दिया गया है। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं अपने प्ले स्टोर की तरफ, तो प्ले स्टोर आपका यहाँ पे सर्टिफाइड नहीं है, तो इसको आपको खुद से सर्टिफाइड करना पड़ेगा, सेफ्टी नेट पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन पे मैजिक कॉल प्रॉब्लम वाली, तो आप जो है एक बार देख लेना। और अगर हम कॉलिंग की तरफ चलते हैं तो कॉलिंग के अंदर आपका यहाँ पे वॉल्टी काम करता है, वीडियो कॉल भी वर्किंग है, ब्लूटूथ ऑडियो भी आपका यहाँ पे फिक्स मिल जाता है। तो फिलहाल कॉलिंग के अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी, एंड्रॉइड 10 है तो आपको ये सारी चीज़ें फिक्स मिल जाएगी। सेटिंग्स के अंदर चलते हैं तो कनेक्टेड डिवाइस के अंदर कास्ट को जो है करीब 5 से 6 बार मैं ट्राई किया कनेक्ट करने के, लेकिन बार बार बैक हो जा रहा था, तो ये जो है फिलहाल काम नहीं किया मेरा। तो लेकिन अगर आप में से किसी का काम करता तो बताना, तो इसके लिए मैं कन्फर्म नहीं बोल सकता, मे भी शायद तक कुछ यूजर्स का काम कर जाए, कभी कभार इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। और बैटरी के अंदर आपका बैटरी सेटिंग तो फिलहाल नॉर्मल ही रहने वाला है, बैटरी सेवर मिल जाता है। यहीं पे आपको जो है बैटरी परसेंटेज का भी ऑप्शन मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें बैटरी बैकअप की, तो 2 आवर फुल ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद 63% बैटरी हमें मिली है, तो बैटरी बैकअप जो है फिलहाल मुझे यहाँ पे अच्छी देखने को मिल जाती है। और डिस्प्ले में चलते हैं तो डिस्प्ले में भी आपको नॉर्मली सेटिंग मिलेगी, सारी चीज़ें काम कर रही है। यहाँ पे आपको वॉलपेपर के भी ऑप्शन है जिसमें आपको पिक्सल के वॉलपेपर जो है यहाँ पे मिल जाएंगे, तो ये सभी वॉलपेपर हैं जो हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं। रोटेशन काम कर रहा है, लॉक स्क्रीन में ऑलवेज ऑन मिल जाता है और ऑलवेज ऑन बिल्कुल अच्छे से काम भी कर रहा है। यहाँ पे न्यू नोटिफिकेशन भी दिया गया है, बाहर डबल टैप टू बैक है जो कि काम करता है। और साउंड के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे साउंड में भी आपको जो है नॉर्मल ही सेटिंग मिलती है, अदर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे। और सिक्योरिटी के अंदर हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक देखने को मिलता है, और फिंगरप्रिंट का रिस्पॉन्स जो है फिलहाल यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो आप देखोगे तो लॉक करते ही टैप करते हो तो ये जो है अनलॉक हो जाता है, तो ये फिलहाल जो है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स के साथ मिलता है। और वहीं आपका जो फेस अनलॉक है वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, तो फिलहाल यहाँ पे आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलती सिक्योरिटी के अंदर। और आपकी जो सेटिंग्स है स्क्रीन लॉक सेटिंग्स, तो कुछ इस तरीके से देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं डिजिटल वेलबिंग की तरफ, तो ये इसका भी सपोर्ट आपको मिल जाता है। यहाँ पे एक्टिविटी नोटिफिकेशन सारी चीज़ें आप जो है चेक कर पाओगे, यहाँ पे भी आपको दिक्कत नहीं मिलती है। सिस्टम के अंदर आपका यहाँ पे जेस्चर है जिसमें आपको जंप टू कैमरा सिस्टम नेविगेशन मिल जाता है, और यहाँ पे जेस्चर के लिए सिर्फ आपको सेंसिटिविटी सेटिंग्स की ऑप्शन है। और यहाँ पे 3x10 नेविगेशन आपका काफ़ी स्मूथ आप देख सकते हो, यहाँ पे होम बटन पे पिक्सल एनिमेशन भी मिलता है, तो जेस्चर के अंदर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती, काफ़ी स्मूथ है। और बाहर आपका जो है डेवलपर ऑप्शन आपको इनेबल करना पड़ता है। बाकी अगर आप सिस्टम अपडेट देखोगे तो यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे सिस्टम अपडेट भी मिल जाता है। एंटूटू स्कोर अगर आप देखोगे तो 161,734 है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त स्कोर अभी के टाइम पर अगर हम देखें तो काफ़ी तगड़ा स्कोर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इस कर्नल के साथ। और अब चलते हैं यहाँ पे गेम में, तो गेम की जो ग्राफिक है स्मूथ पे हाई है, बैलेंस पे हाई है और HD पे
हाई तक हमें मिलता है। तो हम यहाँ पे जो है स्मूथ और हाई पे खेलेंगे, और अगर आपको ग्राफिक अनलॉक करना है तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। और परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिलने वाली इस बिल्ड के अंदर। तो अभी के हिसाब से एंड्रॉयड 11 की अगर हम बात करें, एंड्रॉयड 10 की अगर हम बात करें, तो इसकी भी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है अभी आपको परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी वाली जो है देखने को मिल जाती है। गेमिंग की अगर हम बात करें, रोम भी जो है यहाँ पे काफ़ी स्मूथ है, यूआई आपको जो है काफ़ी स्मूथ मिल जाता है। हालांकि जो बिल्ड है ये आपको थोड़ा ओल्ड मिलता है, करीब एक साल ही समझ लो कि ओल्ड मिलता है, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में ज़रूर आपको यहाँ पे कमी देखने को नहीं मिलेगी। परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी वाली जो है देखने को मिल जाती है। गेमिंग में भी आपका टच रिस्पॉन्स हो या फिर ऐसे भी आप क्लोज रेंज भी फाइट लेते हो तो भी आपको उस टाइम पे भी आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी वाली देखने को मिल जाती है। तो अगर आप यहाँ पे गेमिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आराम से आप यूज़ कर सकते हो, गेमिंग आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है इस बिल्ड के अंदर। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि हमें देखने को मिलती है। जैसे कि पिक्सल आपको नॉर्मल यूजर्स में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन अगर आप कर्नल चेंज करते हो तो परफॉर्मेंस आपको वहाँ पे ज़रूर काफ़ी तगड़ी मिलती है। वही आपको यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही है, परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी देखने को मिल रही है। और ऐसे नॉर्मल यूजर्स के लिए तो पिक्सल काफ़ी अच्छी वैसे भी रहती है, तो ऐसे आपको जो है काफ़ी बेटर आपको मिलेगा एक्सपीरियंस यहाँ पे। तो यही सारी स्थिति आज की इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए ताकि जब भी अगली वीडियो अपलोड करें आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।